अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ मोहम्मद दाऊद। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन टू हैलोजन्स। बेसिकली आज की वीडियो में हम हैलोजन के जो एलिमेंट्स है ग्रुप 7A के, उसके नाम जानेंगे, उसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, एटॉमिक नंबर क्या होता है, कौन कौन से एलिमेंट्स है जो हैलोजन्स हैं, और दो चार प्रॉपर्टीज़ को डिस्कस करेंगे। इंशाल्लाह इसके जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है या फिर बॉन्ड एनर्जीज़ है या ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज़ है, उनको अपकमिंग वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। ओके, हैलोजन्स जो है दे आर साल्ट फॉर्मर, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड हैलोजन्स। लाइक सोडियम क्लोराइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, इस तरह आपने देखे होंगे। ये जो एलिमेंट्स होते हैं इसमें फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन है। एस्टाटीन को मैंने मेंशन नहीं किया क्योंकि इसके जो रिएक्शंस है या फिर इसके जो प्रॉपर्टीज़ है ज़्यादातर हम डिस्कस नहीं करते। रेयर एलिमेंट है अर्थ क्रस्ट में। एटॉमिक नंबर फ्लोरीन का है 9, क्लोरीन का 17, ब्रोमीन 35 और आयोडीन 53। इसको याद करने का तरीका मैंने आपको समझाया था कि फ्लोरीन 9 है तो 9 के साथ 8, वो आप ऐड करें 17 आता है। 17 के बाद चूँकि ऑनवर्ड जो है वो थर्ड शेल भी वो ऐड हो जाता है, यहाँ पर जो है चौथा शेल आ जाता है, तो 17 के साथ आप 18 को अगर ऐड करेंगे तो 35 आएगा, 35 के साथ फिर 18 को ऐड करें तो 53 आ जाएगा। इस तरह आप इसको याद कर सकते हैं। 9 प्लस 8 इससे जो आता है 17, 17 प्लस 18 35 और 35 प्लस 18 53। इस तरह आप याद कर सकते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है, आमतौर पर बहुत सारे लोगों को ये नाम याद होते हैं, फेमिलियर नाम है। इसकी जो कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगुरेशन है वो है 2, 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18, 7, 2, 8, 18, 18 और 7। शेल के लिहाज से ये मैंने लिखी हुई है कि पहले शेल में इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, फिर 7, 2, 8, 7, 2, 8, 18 और 7, इसी तरह यहाँ पर भी मेंशन है। अगर हम वैलेंसी कॉन्फ़िगरेशन किसकी बात करें तो वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन जो है, जो हैलोजन्स है इसकी वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशन वो NH2NP5 है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन का अगर आप देखें वो है 2S2 2P5, चूँकि टोटल जो है 9 इलेक्ट्रॉन है, 1s2 पर 2s2 2p5, तो 2 इसका वैलेंस शेल है, यहाँ पर आप देखें NH2NP5। सिमिलरली क्लोरीन के लिए 3s2 3p5, ब्रोमीन के लिए 4s2 4p5 और आयोडीन के लिए 5s2 5p5। यहाँ पर आपने एक ट्रेंड देखा कि सब के सब के वैलेंस शेल में वो 7 इलेक्ट्रॉन है, इसी वजह से ये 7A एलिमेंट्स है। और ये जो हैलोजन्स होते हैं, जो 7A एलिमेंट्स है, ये ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पीरियाडिक टेबल में अगर हमने वो पिछली वीडियोस में डिस्कस भी किया हुआ था कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो अक्रॉस द पीरियड जाते जाते जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वो इंक्रीज़ होती है। और फ्लोरीन पर जाकर अगर पहले एलिमेंट की हम इसकी बात करें तो वहाँ पर सबसे मैक्सिमम आपको मिलेगी, तो ये सबसे लास्ट में पड़ते हैं। अगरचे इसके बाद जो है नोबल गैसेस आते हैं, लेकिन नोबल गैसेस के लिए चूँकि वो इनर्ट है, वो केमिकली इनर्ट है, वो बॉन्ड नहीं बनाते, उसके लिए हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिस्कस नहीं करते। तो एमंग देयर पीरियड मेंबर्स ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है। इसके कुछ दो चार प्रॉपर्टीज़ में मैंने मेंशन की हुई है कि ये जो एलिमेंट्स है दे आर नॉन मेटल्स, सब के सब वो नॉन मेटल्स है, इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड हैव स्मॉल साइज़। इसको भी हमने डिस्कस किया हुआ था कि अक्रॉस द पीरियड हम जाते हैं तो साइज़ वो डिक्रीज़ होता है, इस वजह से इसके रीज़न को भी मैंने डिटेल से आप लोगों के साथ वो शेयर किया था। बार बार इस चीज़ को मैं डिस्कस नहीं कर रहा। यहाँ पर इंपॉर्टेंट जो प्रॉपर्टी है हैलोजन की, दे आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड दे आर पॉइजनस इन नेचर। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स जो है ये हमने डिस्कस किया हुआ था कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो खुद जो है रिड्यूस हो जाते हैं, दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड में अगर आप बात करें क्लोरीन और सोडियम की, तो सोडियम जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट है, क्लोरीन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। क्लोरीन ने सोडियम से इलेक्ट्रॉन लिए हुए हैं तो उसको ऑक्सीडाइज कर दिया है, खुद ये रिड्यूस हो चुका है। मतलब ये कि जब ये रिएक्शन करते हैं तो मोस्टली ये एक्ट करते हैं एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा कंबाइंड अनकंबाइंड स्टेट में जो हैलोजन वो एग्जिस्ट करते हैं, दे एग्जिस्ट एज अ डाईटामिक मालिक्यूल लाइक F2Cl2 आयोडीन एक्सेस्ट्रा। डिस्क्रीट मालिक्यूल्स ऑफ हैलोजन्स आर हेल्ड टुगेदर बाय रिलेटिवली वीक इंटरमालिकुलर फोर्सेस, दैट्स व्हाई दे आर वोलेटाइल इन नेचर। हैलोजन्स जो है ये जो अनकंबाइंड फॉर्म में आपको एलिमेंटल फॉर्म में मिलेंगे
वो डायटॉमिक मॉलिक्यूल की शक्ल में मिलेंगे। इसका जो स्ट्रक्चर है वो मॉलिक्यूलर है, और जिस तरह हमने डिस्कस किया हुआ था कि जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर होता है उसमें जो डिस्क्रीट पार्टिकल्स होते हैं, मॉलिक्यूल जो होते हैं, उनके दरमियान वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, जिसको हम लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस कहते हैं, वो ऑपरेट करते हैं। और जिस तरह आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा हुआ था कि लंदन डिस्पर्जन फोर्सेस जो है वो साइज़ पर डिपेंड करते हैं। डाउन द ग्रुप हैलोजन में अगर हम आए, साइज़ वो इंक्रीज़ होता है, डिटेल से हम पढ़ेंगे, जिसकी वजह से डाउन द ग्रुप इसमें अगर आपने ट्रेंड वो देखा होगा तो फ्लोरीन और क्लोरीन वो गैसेस है, ब्रोमीन जो है वो लिक्विड है, आयोडीन की तरफ अगर हम आते हैं वो सॉलिड बन जाता है। वीक फोर्सेस होने की वजह से इसकी ये प्रॉपर्टी है कि दे आर वोलेटाइल इन नेचर। दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन। स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।